डंकन का पार्किंग एरिया। ये रहा डंकन रोड और चलते हैं कस्टम, इंडियन कस्टम होके रक्सौल का मेन रोड। और रक्सौल में आज एक और चीज़ दिखाएंगे, बहुत अच्छा, एकदम मस्त चीज़, पता है क्या? चलो आगे बताते हैं, नया नया डेवलप हुआ है। यहाँ का ओवर ब्रिज कितना साल से भीड़ लगता था, बाप रे बाप, ओवरब्रिज होने के कारण रास्ता क्लियर। देखते थे नेपाली बाइक आ रहा है, इंडियन नहीं जा रहा है नेपाल में। ओवरब्रिज क्लोज्ड क्यों है? क्या हुआ? बंद क्या हो गया? चलो नीचे से चलते हैं, एक और खुफिया रास्ता है। ओए बाबू, ओ तेरी, ये क्या हुआ? ये तो पानी बह रहा है ये वाला रोड पे। सेट किस्मत ही खराब है। सरिस्वा नदी पानी छोड़ा है, नेपाल का पानी से पूरा पानी बा। वो भी नेपाली पूछ रहा है क्या हुआ, रास्ता आगे क्लियर है कि नहीं।
सब एक्सचेंज करता है सब लोग, आईसी का एनसी, एनसी का आईसी। रोड जाम की है, ना बेकार रोड है सही। सबसे बड़ा वाला ऑफ रोडिंग हो गया यार, सेट साइड से निकल लो। बोला है सब कि नहीं, अरे वाह आगे बंद बा। आगे चल ले, देखो क्या होता है। फिर मैं तो फंस गए, अरे भाई साहब बाप रे बाप। फाइनली निकल रहे हैं धीरे धीरे,
नेपाली स्टेशन जो कि हमेशा कोयला सीमेंट वाले सब मर्चेंट्स आता है, और यहाँ पे देख सकते हैं कितना गिरा हुआ है, हर एक चीज़ का लोडिंग करता है और नेपाल में भी सप्लाई करता है। यहाँ पे जितने सारे हैं सब मजदूर हैं, देख रहे जैसे कि ये बोरी है या चावल की हो सकते हैं। चलते हैं, सुना है डल्ला गिरा है यहाँ पे का भी, धूप से हालत खराब हो रहा है, बहुत ज्यादा धूप है। ओवरब्रिज तो उसको ऊपर जाके नहीं दिखा सकते, लेकिन एक चीज़ और दिखाएंगे आपको, जो कि हालांकि मतलब बहुत जल्दी बना है स्टेशन पे ग्रीन सिटी, ग्रीन पार्क की तरह, बहुत ही ब्यूटीफुल है। विधायक जी जा रहे हैं थार से, हम लोग दिखती है विधायक प्रमोद सिन्हा। ये ले चलते हैं आपको स्टेशन पे, वाह भाई चारों ओर माल लोडिंग हो रहा है। ये रक्सौल जंक्शन और यही ग्रीन पार्क है। I love Rafael.